हाय दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त योगेंद्र पवार। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिस्टर योगेंद्र पवार में। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों पास में जो घंटी वाला बटन है इसको भी आप दोस्तों प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक लेटेस्ट और ऑफिशियल वीडियो सबसे पहले इसी प्रकार मिलती रहेगी और पूर्ण रूप से आप ऑफिशियल न्यूज़ देख पाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते आज की लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो लेटेस्ट वीडियो वो RPSC फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2018 के एग्जाम जुलाई अगस्त 2020 में करने को लेकर बड़ी अपडेट है, जो दैनिक भास्कर से न्यूज है और सीकर से न्यूज है। भास्कर ने शिक्षा राज्य मंत्री व RPSC सचिव से पूछा सवाल, स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा आगे खिसकेगी या नहीं। स्कूल लेक्चर परीक्षा की तिथि सरकार तय नहीं करती दोस्तों। ये राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा है कि स्कूल लेक्चर की जो परीक्षा की तिथि है वो RPSC के ऊपर डिपेंड है, RPSC आगे बढ़ाए या जो जनवरी 2020 की है वही रखे। परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित इतना ही कह सकती हूँ। ये RPSC सचिव का भी बयान इसमें साथ में आया है, तो ये न्यूज़ पूरी देख लेते। सीकर से न्यूज़ है, RPSC की स्कूल लेक्चर एग्जाम को लेकर सरकार और अभ्यर्थियों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि RPSC के कैलेंडर में परीक्षा 3 से 13 जनवरी 2020 तक प्रस्तावित है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के मुख्य द्वार पर सैकड़ों अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा जून में कराई जाए। दैनिक भास्कर ने शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और RPSC सचिव रेणु जयपाल से बातचीत की। डोटासरा का कहना है कि स्कूल लेक्चर परीक्षा की तिथि सरकार तय नहीं करती, सरकार सिर्फ परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियां भेजती है। मतलब सरकार का काम ये है कि वित्त विभाग से स्वीकृति लेना और कितने पद पर भर्ती निकालना, वहाँ तक सरकार का काम है। परीक्षा कब करानी है ये RPSC तय करेगी, जबकि सचिव रेणु जयपाल इस मामले में अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि लिखित परीक्षा की तिथि फिलहाल जनवरी में घोषित है, इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। अब सवाल यह है कि परीक्षा तय समय पर होगी या नहीं, इसका जवाब कौन देगा। 5,000 पदों के लिए होने वाली परीक्षा के लिए 9.61 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि पदों को बढ़ाकर 10,000 किया जाए। दोस्तों मैंने कल वीडियो बनाई थी, आपको सामने पेश की थी और आपको मैंने बताया था कि जो वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड के जो रिक्त पद है वो 10,000 पद है और RPSC ने जो भर्ती निकाली सरकार ने वो 5,000 पदों पर निकाली। अगर मान लो 5,000 और पर बढ़ जाए, 5,000 प्लस 5,000 हो जाए तो 10,000 पद आपके हो जाएंगे। तो ये सरकार कर सकती है, 10,000 पद बढ़ा सकती है। और एक दोस्त द्वारा ये भी न्यूज है कि श्री गंगानगर में शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा था तय समय पर होगी परीक्षा, आगे नहीं बढ़ाएंगे। मंगलवार को श्री गंगानगर में जन सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों ने प्रथम श्रेणी स्कूल वैकता परीक्षा 2 माह बाद करवाने की मांग रखी। तो डोटासरा ने कहा था कि स्कूल वैकता परीक्षा लंबी तय, किसी भी सूरत में परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। परीक्षा तय समय पर ही होगी, परीक्षा की तैयारी करो, फिर भी कोई समस्या है तो आगामी समय में भी वैकेंसी आएगी। उन्होंने ये बयान दिया था और इसकी मैंने वीडियो भी आपको बताई थी। परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने व सीटें दोगुनी करने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे अभ्यर्थी। तो ये न्यूज है, परीक्षा को लेकर 2 दौड़ों में बढ़ गए अभ्यर्थी दोस्तों। एक तो जो एग्जाम जुलाई अगस्त 2020 में करवाना चाहता और एक जनवरी में ही रखवाना चाहता, दो इसमें दड़े हो गए। सवाल, पंचायती राज चुनाव की वजह से शिक्षक कैसे कराएंगे परीक्षा। और विषय में आप पद देख सकते हो, भूगोल में 782 पद है, अर्थशास्त्र में 129 है, अंग्रेजी में 304 पद है, संस्कृत में 156 है, राजनीतिक विज्ञान में 815 है और हिंदी में 849 है, इतिहास में 613 पद है। दोस्तों सबसे ज़्यादा पद वो हिंदी में है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जनवरी फरवरी में पंचायती राज चुनाव होने, ऐसे में शिक्षकों की ड्यूटी रहेगी, ये परीक्षा कैसे कराएंगे। शिक्षा राज्य मंत्री का कहना है कि पंचायती राज चुनाव फरवरी में होने हैं और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी 2 बार आगे खिसक चुकी परीक्षा। तो पहले भी आप सभी को मालूम होता है एग्जाम वो 2 बार आगे बढ़ चुकी है। और इसी प्रकार शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि और अपडेट नहीं बढ़ेगी और जो करना है वो RPSC सचिव करेगी या RPSC करेगी। लेकिन RPSC सचिव ने भी कहा कि फिलहाल तो डेट प्रस्तावित है, इसी डेट पर आपके एग्जाम होगा। एक और न्यूज है अजमेर से, कल की दैनिक नवज्योति से, परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग पर निकाली रैली, स्कूल वैकता भर्ती 2018। अजमेर में भी दोस्तों रैली निकाली गई और RPSC के सामने ये रैली निकली थी कल। परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन देने जाते अभ्यर्थी। दोस्तों रैली निकली वो RPSC के सामने से होकर रैली निकली थी और RPSC के जो अध्यक्ष है उनको ये ज्ञापन देते अभ्यर्थी जाते हुए। आप फोटो भी इनका देख सकते हो, स्कूल वैकता भर्ती परीक्षा 2018 मां रैली अजमेर। स्कूल वैकता भर्ती 2018 की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने और पदों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को रैली निकाली। रैली के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। यह परीक्षा 3 से 13 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। रैली की अगुवाई कर रहे राजकीय विधि महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महासचिव धर्मेंद्र बाजिया ने बताया कि EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है।
ज्ञापन में कहा गया है कि यह भर्ती 2018 की है, इसमें 2019 और 2020 के पदों की गणना करने के साथ ही नए खुले विद्यालय और कर्मोन्नत हुए विद्यालय में रिक्त पदों की गणना करके पदों की संख्या 5000 से बढ़ाकर 10000 की जाए, बाहरी राज्यों का कोटा 50% से घटाकर 5% किया जाए और उर्दू विषय के पद सर्जित किए जाए। दीपावली अवकाश के कारण कई अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन नहीं करा सके, उन्हें मौका मिले। इसी तरह EWS श्रेणी में शामिल हुए अभ्यर्थियों को भी संशोधन का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो छात्र विरोध प्रदर्शन करेंगे, उन्होंने बताया। तो ये न्यूज़ कल की थी, मतलब अजमेर में भी कल रैली निकली थी एग्ज़ाम जुलाई अगस्त 2020 में करवाने को लेकर। और ये न्यूज़ थी, वो ये थी कि शिक्षा राज्य मंत्री का बयान और RPSC का बयान, दोनों का बयान अलग अलग है। तो अभी तक तो ये लग नहीं रहा है कि आपके एग्ज़ाम डेट बढ़ाने के सरकार पक्ष में है या RPSC पक्ष में है, लेकिन दोस्तों आपका आंदोलन सफल तभी हो पाएगा जो एग्ज़ाम डेट बढ़ाना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अजमेर पहुँचे, राजस्थान विश्वविद्यालय में। और इसी के साथ कोटा विश्वविद्यालय में भी, जो कोटा विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष, उन्होंने भी ज्ञापन दिया है कि एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त 2020 में की जाए। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की आप पल पल की अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे चैनल मिस्टर योगेंद्र पाव को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में बेल आइकन का बटन, इसको भी आप दोस्तों प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक और ज़्यादा संख्या में फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।